आप देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस तरीके के आपने कुछ टैबलेट टिश्यूज देखे होंगे, इसका रिव्यू, प्लस मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं एंड आप इनको यूज़ करके कैसे अपने फेस के लिए रिफ़्रेशिंग वाइप्स बना सकते हैं। तो वाइप्स तो ये ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, पर रिफ़्रेशिंग वाइप्स DIY आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत सारी इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वाइप्स के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन क्लिक कर दो, वीडियो लाइक कर दो, कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो। एंड अभी अभी चैनल स्टार्ट किया है तो प्लीज़ सपोर्ट करो, आपको एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट बहुत सपोर्ट देता है, सो प्लीज़ ऐसा आप लोग किया करें, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, तो सबसे पहले मैं इसका रिव्यू दे देती हूँ। तो इस तरीके की ये जो टिश्यूज़ के ये टैबलेट आती हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छा, एक्चुअली स्पेशली फॉर अगर आप ट्रैवलिंग के लिए पूछेंगे तो ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, आप स्कूल कॉलेज में रखना चाहते हैं अच्छा, क्योंकि जो वाइप्स का एक्चुअली पैकेट आता है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसको उसमें ज़्यादा वाइप्स भी नहीं आती, यानी अगर आप 10 वाइप्स का ही पैकेट लेंगे तो इतना मोटा इतना बड़ा होता है, तो वो ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा स्पेस लेता है। पर अगर आप इसमें 10 लेंगे तो आपको बस थोड़ी सी लेना है अपने बैग में, बहुत छोटी सी जगह में आपको उसको डाल देना है। सो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, एंड मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो वैसे तो आपको ये आसपास के किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर में, शॉपिंग मॉल्स में मिल जाएगी, पर अगर आप इसको ऑनलाइन बुलाना चाहते हो तो आप किसी भी ऐप से बुला सकते हो बहुत इजीली, किसी भी ऐप में आपको या किसी भी वेबसाइट में ये मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी होती है, ट्रैवल फ्रेंडली होती है, प्लस इसमें सिर्फ वाटर चाहिए होता है। एंड सबसे अच्छी चीज़, अगर आप बाहर के ये जो वाइप्स यूज़ करते हैं उसमें ना बहुत सारे केमिकल डले होते हैं जो आपके फेस के लिए या आप जैसे भी उसको यूज़ कर रहे हैं वो बहुत आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, पर ये वाले जो वाइप्स होते हैं जब इसको वाटर में आप डालेंगे एंड देखेंगे तो ये 100% कॉटन के होते हैं, ये काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं भी आपको इसको खोल के भी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से खुलते हैं, तो अब मैं इसको आपको खोल के बताती हूँ कि किस तरीके से खुल जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसको बताती हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसे टैबलेट्स के फॉर्म में आती हैं, एंड यहाँ पे मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है, आप इसको डायरेक्ट टैप के नीचे ही करके आप इसको पानी ऑन करके ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टैप इसमें पानी डाल देती हूँ, एंड आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ओपन हो गए, एंड देन हम इसको निकाल लेंगे, एंड मैं इसको ओपन करके बता देती हूँ आपको। एंड फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे एक हैंकी के साइज़ में ओपन हो चुका है ये वाइप, एंड ये बिल्कुल कॉटन ही फील देता है, 100% कॉटन वाला जो फील होता है वो देता है आपको। इजी टू ट्रैवल, यानी वो इतनी सी टैबलेट में आपको ये जो इतना बड़ा आपको टिशू वेट वाइप्स वाले मिल रहे हैं, स्ट्रेचेबल भी है ये, एंड ये काफ़ी अच्छा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे DIY इसके साथ कर सकते हैं। तो हम लोग DIY क्या करने वाले हैं, मैं सबसे पहले वो समझा देती हूँ। ये तो नॉर्मल वाइप्स बन गए, नॉर्मल वाइप्स से मेरा मतलब है जो हमने पानी को यूज़ करके बना लिया तो नॉर्मल, लेकिन फेस के लिए फेस वाइप्स अलग आते हैं अगर आपको पता होगा, तो मैं कुछ रिफ़्रेशिंग फेस वाइप्स आपको बताने वाली हूँ जो अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं या कहीं, तो वो आप इसको यूज़ कर सकते हो तो आपका फेस एकदम रिफ़्रेश हो जाएगा। तो अब इसको कैसे बनाना है, बनाने के लिए सबसे पहले आपको पानी की ज़रूरत होगी क्योंकि हम टैबलेट को यूज़ करके बनाएंगे। तो मैंने जो पानी लिया था मैं सेम वाटर का ही यूज़ करने वाली हूँ, मैं इसको थोड़ा सा कम कर दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारा पानी है, मैंने एकदम थोड़ा सा पानी लिया है। और अब मैं इस पानी में ऐड करने वाली हूँ डाबर का गुलाबरी रोज़ वाटर, आप कोई भी रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। रोज़ वाटर को यहाँ पे यूज़ करने का फ़ायदा ये होने वाला है कि रोज़ वाटर आपके स्किन को रिफ़्रेश तो कर ही देता है, हम सबको पता है, प्लस आपकी स्किन को सॉफ्ट सिल्की स्मूथ बनाएगा। तो मैं यहाँ पे रोज़ वाटर पानी से थोड़ा ज़्यादा ऐड करूँगी, आप चाहें अगर आपके पास कुछ ना हो रोज़ वाटर हो तो आप इसको डायरेक्ट रोज़ वाटर में भी ओपन कर सकते हैं, तो एक रिफ़्रेश फील मिलेगा। इसके बाद जो मैं ऐड करने वाली हूँ वो है एलोवेरा जेल, तो मैं बायो केयर का एलोवेरा जेल यूज़ करने वाली हूँ। एलोवेरा जेल यहाँ पे यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि आपके स्किन को रिफ़्रेश भी करेगा, प्लस आपकी स्किन को सॉफ्ट भी बनाएगा और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर देगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे 1 स्पून इसका भी डाल दे रही हूँ, 1 फुल स्पून हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं, एंड दैट्स इट।
और अब मैं उसको क्विक मिक्स देने वाली हूँ ताकि जो एलोवेरा जेल है वो अच्छे से वाटर में मिक्स हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं मैंने इसको मिक्स कर लिया है एंड इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो गई है क्योंकि हमने इसमें एलोवेरा जेल मिला दिया है। अब इसको बनाना कैसे, तो आप इसके लिए ले लीजिए एक छोटा सा बॉक्स, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी ये मेरे पास बॉक्स रखा हुआ था ये ले लिया, और इसमें हमने ये जो लिक्विड तैयार किया है इसको हम करने वाले हैं पोर, तो हम इसको पूरा का पूरा यहाँ पे पोर कर देंगे। आप जो भी बॉक्स ले रहे हैं उसका हाफ से ज़्यादा आपको पोर, उसमें ना आपको अगर जैसे हाफ से ज़्यादा हो गया है तो आप उसको कम कर देंगे, ठीक है, हाफ से ज़्यादा आपको उसको पोर नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैंने इसमें पोर कर दिया और अब मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, इसमें मैं डाल देने वाली हूँ कुछ ये टैबलेट्स। तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ 7 से 8 टैबलेट्स इसमें ऐड कर देने वाली हूँ। तो टैबलेट्स क्या करेंगी, इसके अंदर का जितना भी हमने लिक्विड ऐड किया है ये सबको ये अच्छे से सोख लेगी। आप अगर चाहें तो ऊपर से भी ये वाला जो थोड़ा सा लिक्विड है वो आप ऐड कर सकते हैं, या लिक्विड नहीं तो आप थोड़ा सा पानी भी एक्स्ट्रा में आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रोज़ वाटर एक्स्ट्रा ऐड कर दे रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास रोज़ वाटर है तो मैं रोज़ वाटर को एक्स्ट्रा में डाल दे रही हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे जो टैबलेट्स हैं उसको एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। आप इसको थोड़ा सा अंदर ऐसे प्रेस कर देंगे। और अब फ्रेंड्स मैंने क्या किया है कि इसमें जो मैंने डिब्बी में रखी तो उसको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, और अब मैं क्या करूँगी इसको मैं आपको स्टोर करने के लिए बता रही हूँ। थोड़ा सा बस आप इतना ओपन करेंगे और ऐसे फोल्ड कर देंगे एंड इस बॉक्स के अंदर डाल देंगे। बस आपको मैं फिर से बता दे रही हूँ, थोड़ा सा बस ओपन करना है एंड फोल्ड करना है और इस बॉक्स के अंदर आपको डाल देना। ओके फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से उसको अच्छे से ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में फोल्ड करके रख दिया है बॉक्स में। और अब मैं, मेरे पास ये थोड़ा सा लिक्विड जो हमने बनाया था वो बचा हुआ था तो मैं इसको एक्स्ट्रा में पोर कर दे रही हूँ ताकि इसमें लिक्विड बिल्कुल स्टोर रहे, कम ना हो लिक्विड, एंड दैट्स इट। और अब आप इसकी लिड को लगा दीजिए एंड इसको आप स्टोर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने इसको यहाँ पे लिड लगा दी है एंड इसको आप आराम से 1 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपको रखना है इसको एंड आप ट्रैवलिंग पे भी इसको कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटे से बॉक्स में रखा है, अगर आप ज़्यादा वाइप्स रखना चाहते हैं, जैसे मैंने इतने बड़े बॉक्स में मैंने इसमें 7 to 8 वाइप्स रख लिए हैं, अगर आप ज़्यादा वाइप्स रखना चाहते हैं तो थोड़ा बड़ा बॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं। एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू यूज़ इट आपको सिर्फ लिड को खोलना है एंड वाइप्स को निकालना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन क्लिक कर देना, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट में बताना कैसा लगा और शेयर कर देना सारे फ्रेंड्स को। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।